केंद्र में बीजेपी व मोदी की सरकार को 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी महाजनसंपर्क अभियान के तहत हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा 10 बड़ी रैलियां आयोजित करेगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये जानकारी हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने आज नारनौल में एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। केंद्र के 9 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने पर अब भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर चुकी है। इस अभियान के तहत हरियाणा में भी कुल 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 10 बड़ी जनसभाएं करेगी। इसकी जानकारी देते हुए हरियाणा के पूर्व मंत्री व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर 10 बड़ी जनसभाएं की जाएंगी। इन जनसभाओं में अमित शाह भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि 30 मई से 30 जून तक पूरे हिंदुस्तान में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही रामविलास शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के दौरान आज हमारे हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित है, पूरे हिंदुस्तान की जनता का मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी है। श्री शर्मा ने हरियाणा में भाजपा जेजेपी गठबंधन को लेकर कहा कि यह गठबंधन चुनाव से पहले का गठबंधन नहीं था, चुनाव के बाद में दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन हुआ है और आगे गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा ये चुनाव से 2-3 महीने पहले ही तय हो पाता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में गठबंधन ठीक चल रहा है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर होने वाली 10 बड़ी जनसभाओं को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। महेंद्रगढ़ जिला के भाजपा जिला अध्यक्ष दयाराम यादव ने इन तैयारियों को लेकर कहा कि हर स्तर पर पार्टी इन जनसभाओं को सफल बनाने के लिए लोगों से संपर्क कर रही है। उन्होंने कहा कि 19 जून को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की एक बड़ी रैली दादरी में आयोजित की जाएगी और इस रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन अभी उनकी सहमति नहीं मिल पाई है। उम्मीद है कि नितिन गडकरी की सहमति मिल जाएगी। अभी हमारा 30 मई से 30 जून तक पूरे हिंदुस्तान में अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। 9 साल नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में आज सबसे लोकप्रिय राजनेता हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 9 साल में हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत है, हिंदुस्तान के आदमी का पूरी दुनिया में मान और सम्मान बढ़ा है, ऐसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारा है। और हम 2024 की तैयारी है, ये अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। महाजनसंपर्क अभियान में हरियाणा में 10 की 10 लोकसभाओं में हम कार्यकर्ताओं को लेकर के, जैसे महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा का कार्यक्रम 19 तारीख को दादरी में है, जैसे 18 तारीख को सिरसा में भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह आ रहे हैं, जैसे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अंबाला में आ रहे हैं, हर लोकसभा में 10 लोकसभा में कहीं नितिन गडकरी जी आ रहे हैं। हम 9 साल में जो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है उसको लेकर के हम हरियाणा की जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। और चुनाव की जो बातें हैं ना जोगिंदर, वो चुनाव से 2-3 महीने पहले डिसाइड, अभी समय है। ये जो गठबंधन है ये चुनाव से पहले का गठबंधन नहीं है, ये चुनाव के बाद हुआ गठबंधन है और अच्छा चल रहा है। अब चुनाव के समय क्या होगा ये चुनाव के समय बता। माना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल पूरे होने के ऊपर महाजनसंपर्क अभियान जो पूरे प्रदेश में चला हुआ है, इसी निमित्त आज ये बैठक की गई है कि जो अभी 19 तारीख आने वाली है इसको दादरी में लेकर के एक पूरी लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इस निमित्त जनसंपर्क अभियान के तहत हमने मंडल स्तर के ऊपर सभी बैठकें कर ली हैं, पूरे जिले स्तर पर कर ली, नीचे पन्ना प्रमुख त्रिदेव और शक्ति केंद्रों तक कर दी। आदरणीय प्रधानमंत्री की जो विकास कार्य है वो जन तक जन जन तक पहुँचाएंगे, ऐसा हम करके और 19 तारीख को सफल कार्यक्रम बनाएंगे। 19 तारीख को कौन मुख्य वक्ता होंगे? वैसे हमने नितिन गडकरी जी का आग्रह किया है पर अभी तय नहीं हुआ है किनका, अगर उनका समय हुआ या अन्य का जो भी वो केंद्र तय करेगा। अच्छे वक्ता होंगे और अच्छे